हेलो एंड वेलकम बैक टू वी ट्रैवलर। मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक प्रैक्टिकल DIY, जिसे कि आप अपने बड़े किचन डस्टबिन के लिए पेपर लाइनिंग बना सकते हैं, वो भी बिना कोई ग्लू यूज़ किए या स्टेपलर यूज़ किए, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर की हेल्प से। सो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो इस पेपर बैग को बनाने के लिए हमें चाहिए एक न्यूज़पेपर, जो कि सबके घरों में मिलता है। तो इसको थोड़ा सा स्टडी बनाने के लिए मैंने दो न्यूज़पेपर लिए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा एक है और ये दो न्यूज़पेपर लिए हैं, क्योंकि मैं ये जो पेपर लाइनिंग डस्टबिन लाइनिंग बना रही हूँ वो वेट वेस्ट डस्टबिन के लिए बना रही हूँ। अगर आपको ड्राई वेस्ट डस्टबिन के लिए बनाना है तो आप सिंगल पेपर यूज़ करके भी बना सकते हैं, वो भी काम कर जाएगा। तो क्या करना है कि आपको जो ये साइड है यहाँ से फोल्ड लगाने हैं, एक इंच जितना फोल्ड लगा सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, ये लगा के, और कोई भी स्पून से आप इसमें अच्छी सी एक क्रीज बना दें ताकि ये फोल्ड जो किए हैं वो ओपन ना हो। सी, अभी आप देख सकते हैं ये फोल्ड ओपन नहीं हो रहा है। सिमिलरली हम दूसरी तरफ भी इस तरीके से कर लेंगे, ये ओपन साइड है। और ये ध्यान रखिए कि आपने जो फोल्ड इधर की तरफ लगाए हैं तो दूसरी तरफ भी अंदर की तरफ फोल्ड हो, ऐसा नहीं है कि आपने ऑपोजिट तरफ फोल्ड लगा लिए। दोनों फोल्ड एक ही तरफ होने चाहिए, जैसे ये इस साइड है तो ये वाला भी इसी साइड होगा। इसमें भी मैं चार फोल्ड लगा दूंगी, एक, दो, तीन, चार। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बैग है, आप में आपको इसको बनाने में बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि एक इंची बोला है मैंने तो एक इंची का ही आपको फोल्ड लगाना है। आपको जैसा लगता है आप कि ज़्यादा बड़ा फोल्ड लगाने से अच्छी ग्रिप रहती है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मेरे लिए ये वाला पन्ना काम कर गया तो मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ। ये देखिए, ये फोल्ड हो गए हैं और अब तक आपको क्या करना है कि इसको ओपन करना है और आपका पेपर बैग तैयार हो गया। इसमें देखिए, ये मुझे आपको डेमो देने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, अदरवाइज़ ये जो पेपर बैग है ये एक मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। सो यस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है डस्टबिन में। तो अब आपको ये बैग लेना है और इसमें दो लेयर एक तरफ रखते हुए और दो लेयर दूसरी तरफ छोड़ते हुए इस तरीके से इसको ओपन करना है और अपने डस्टबिन में इंस्टॉल कर देना। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्टर्डी बैग बना है बिना किसी स्टेपलर पिन या फेविकॉल यूज़ किए, क्योंकि ये बैग हमको हर दिन बनाना पड़ेगा स्पेशली वेट वेस्ट के डस्टबिन में लगाने के लिए। तो मुझे लगता है ये काफ़ी प्रैक्टिकल है और आप देख सकते हैं ये ईजिली बड़े डस्टबिन में भी आ गया है। जो मेरे सोसाइटी में हाउसकीपिंग आती हैं वो इसमें से वेट वेस्ट निकाल के ये न्यूज़पेपर को ड्राई वेस्ट में डाल देती हैं, तो दोनों ही वेस्ट एग्रीगेटेड रहते हैं। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है ये पेपर लाइनिंग बनाने का, स्पेशली किचन डस्टबिन के लिए, क्योंकि किचन डस्टबिन में बहुत सारी वेट चीज़ें भी हम थ्रो करते हैं, जैसे कि क्या होता है डस्टबिन गंदा हो जाता है और हाउसकीपिंग लेडीज़ जो होती हैं उनको भी थोड़ा सा दिक्कत होती है उसको बाद में क्लीन करने के लिए, और मुझे भी हर दिन उसको वॉश करके क्लीन करना पड़ता था। सो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ देखी, तो सारी वीडियोज़ में या तो पेपर बैग बहुत छोटे साइज़ के बन रहे थे या फिर उसमें किसी ने ग्लू यूज़ किया था या स्टेपलर यूज़ किया था, जो कि मुझे उतना प्रैक्टिकल नहीं लगा, क्योंकि इन दी एंड आप उसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं एक तो बनाने के लिए, और फिर अगर स्टेपलर यूज़ कर रहे हैं तो आप दूसरे तरीके का वेस्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं एनवायरमेंट में, जो कि मुझे उतना सही नहीं लगा। तो मैंने ये DIY किया अपने आप से और मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये DIY आपके लिए काम किया या नहीं किया। तो अभी हाई टाइम आ गया है कि हम बिल्कुल प्लास्टिक बैग्स यूज़ करना बंद कर दें, वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं ये हम सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो यस, आई होप यू लाइक दिस DIY वीडियो एंड दिस विल वर्क फॉर यू एज वेल। इफ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज डू लीव इट इन द कॉमेंट बार, हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ माई चैनल्स वी ट्रैवलर एंड ओमी स्टाइल्स, एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।